जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। आज विलासन स्पोर्ट्स पर हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे खिलाड़ी से जिसने खेलने के साथ साथ छोटी सी उम्र में ही स्पोर्ट्स में कोचिंग भी देना शुरू कर दिया था। आज 28 साल के अनिकेत के सर कर प्लेयर से कोच और कोच से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन तक का सफर तय कर वर्ल्ड रिंग फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। अनिकेत की ये जर्नी आसान नहीं थी, पर उनके पैशन और डिटर्मिनेशन से आज वो इस मुकाम पर हैं। तो आइए जानते हैं अनिकेत के इस सफर के बारे में। अनिकेत ने खेलना सिर्फ हॉबी के तौर पर शुरू किया था, पर 8th क्लास में इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान जब अनिकेत बॉल को किक ना कर सके तो बहुत निराश हुए। ये एक ऐसा इंसिडेंस था जिसने उनके खेलों के प्रति नजरिए को बदल दिया और उनकी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत हो गई। खेलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने कोचिंग देना शुरू किया और फिर अपनी अकेडमी भी स्टार्ट की। ये मेरा प्लेइंग करियर जब स्टार्ट हुआ तब, क्योंकि मेरी सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और मेरे को रेगुलरली इक्विपमेंट्स के लिए पैसे लगते थे, ट्रैवलिंग के लिए, कहीं पे भी मैच रहता था तो उसके लिए ट्रैवलिंग के लिए पैसे लगते थे, जूते लगते थे, तो मैंने कोचिंग स्टार्ट की और मैंने कोचिंग के अंडर एज अ कोच पार्ट टाइम स्टार्ट किया एज अ जॉब। जब मैं कोचिंग कर रहा था तब मैंने रियलाइज किया कि कोचिंग बहुत बढ़िया है और इसमें से एक रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, तो मैंने खुद की एकेडमी स्टार्ट की। एक बहुत कम उम्र में एकेडमी स्टार्ट की, इनफैक्ट 2010 मतलब आज से 10-11 साल पहले मैं ऑलरेडी एक एकेडमी ओन कर रहा था। अनिकेत फुटसल इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हुए और जब इंडियन फुटसल टीम पहली बार सेलेक्ट होकर मलेशिया खेलने गई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडियन टीम को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वापस आकर अनिकेत ने अंडर 14 और अंडर 17 फुटसल इंडियन टीम को ट्रेन करना शुरू किया। अनिकेत का मानना था कि अगर इस एज में बच्चों को सही ट्रेनिंग मिलेगी तभी वो आगे चलकर देश के लिए जरूर मेडल ला पाएंगे। मेरा जो कोचिंग का स्किल है वो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को हेल्प हो सकता है, और मैंने एक एक्स्ट्रा एडेड ऑन चैलेंज लिया कि अंडर एज ग्रुप जो टीम है, अंडर 17 की टीम, अंडर 14 की टीम इंडिया की, उसको कोचिंग का मैंने टास्क एक्सेप्ट कर लिया और मैंने अभी इंडिया लेवल की अंडर 14 अंडर 17 टीम को ग्रूम करना स्टार्ट किया था। मेरा एज अ सीनियर एज ग्रुप करियर चालू था, उसके साथ साथ मैंने ये काम चालू कर दिया। अंडर 17 का फर्स्ट कंपटीशन इंटरनेशनल हुआ था चिले में, वर्ल्ड कप फुटसाल का, उसमें हम लोग कोलंबिया से 30-0 हारे थे और वो चीज बहुत ज्यादा पेनफुल थी। जब मैं एज अ कोच गया था और मेरे को पता चला कि हम लोग टेक्निक में इतने पीछे हैं। 3 साल लगातार हम लोग ने मेहनत की है और 3 साल के बाद 2017 में इटली में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किए। ये फुटसाल के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई नहीं हुए बट मेडल भी जीता। इंडिया टीम को इस लेवल पर पहुंचा अनिकेत ने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अपना रुख किया। अनिकेत का मानना था कि कोचिंग से वो कुछ ही बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, पर अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ेंगे तो वो कई कोचेस को ट्रेन करने में मदद कर सकते हैं, जिससे भारत देश में स्पोर्ट्स का ना सिर्फ कल्चर बढ़ेगा बल्कि देश से कई अच्छे खिलाड़ी भी निकलेंगे। अपनी काबिलियत के दम पर अनिकेत ने इस खेल के प्रति पूरे महाराष्ट्र को ट्रेन और गाइड करना शुरू किया और बस चाहा कि सब आगे बढ़ इसे आगे तक ले जाने में हिस्सा बने, और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से भी उन्हें इस खेल को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली। हम लोग के जो इंडिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर नामदेव जी शिरगांवकर और सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर सुनील पूर्णपात्रे, जो कि आज के तारीख में इंडियन स्पोर्ट्स को रीशेप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। नामदेव जी शिरगांवकर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी करंट बन चुके हैं और उन्होंने ना कि सिर्फ फुटसॉल इंडस्ट्री को डेवलप किया, उन्होंने सारे स्पोर्ट्स में सारे
वे में प्लेयर्स लोगों को हेल्प किया है, कोचेस लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने में हेल्प किया है। तो उनके गाइडेंस के अंदर मेरे को बहुत सारा सीखने मिला कि हम लोग को कैसे एक ट्रांसपेरेंट वे में एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग चला सकते हैं और प्लेयर्स लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। आज अनिकेत महाराष्ट्र में ही खेले जाने वाले एक नए गेम रिंग फुटबॉल को आगे ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन में कमान संभाली है ताकि एक नहीं बल्कि कई कई लोगों को इस गेम से जोड़ सके। उनका मानना है कि आप प्लेयर और कोच के साथ साथ आप एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और स्पोर्ट्स मैनेजर बन इस खेल जगत को और आगे तक ले जा सकते हैं। क्या प्लेयर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। कितने लोग बन सकते हैं? जिनको इच्छा है वो सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर कर सकते हैं। उसके लिए क्या वे है? बहुत सिंपल सा और सरल सा वे है। हम लोग ने जो नया मॉड्यूल हमारे फेडरेशन में इंक्यूबेट किया है, जिसमें एक प्लेयर तीन अलग अलग चीजों में एंटर कर सकता है, एज अ कोच, एज अ रेफरी या एज अ मैनेजमेंट। अब वो चीजों क्या है? एज अ कोच हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले कोच बनाने के, कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोच बन सके, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोच बन के स्टेट लेवल के कोच बन के इंडिया लेवल के कोचेस बन सकते हैं। उसके लिए एक अलग करियर पाथ हम लोग ने डिजाइन किया उन लोग के लिए। सेकेंड है, एज अ रेफरी हम लोग ने उनके लिए प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं कि वो एज अ प्लेयर के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के रेफरीज बन सकते हैं, फिर स्टेट लेवल के रेफरीज बन सकते हैं और फिर नेशनल लेवल के रेफरीज बन सकते हैं। और जो थर्ड करियर है, जिसको मैनेजर या मैनेजमेंट का हम लोग ने ऑप्शन दिया है, वो ये ऐसा है कि वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बने, जिस मैनेजमेंट में हम उनको क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं कि इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कैसे वो लोग स्पॉन्सरशिप गेन कर सकते हैं, कैसे वो लोग कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, फैन बेस क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम उनको कोर्स के मॉड्यूल में सिखाया जाता है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद वो लोग स्टेट लेवल का काम सीख सकते हैं और स्टेट लेवल के बाद वो लोग नेशनल लेवल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अनिकेत का मानना है कि अगर भारत में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को सब सीरियसली लें, तो न सिर्फ हमारे खेल जगत में सुधार होगा बल्कि हमारे लिए कई स्पोर्ट्स में बहुत से नए करियर ऑप्शंस भी होंगे। भारत में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बिजनेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ISM, NASM, नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे कई इंस्टीट्यूट आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अच्छे कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। अनिकेत कहते हैं कि अगर आप खेलों में चेंज देखना चाहते हैं, तो आप खुद उस चेंज का हिस्सा बने, और ये तभी पॉसिबल है जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने।